सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ओप्पो ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है उसका एक फ्लैगशिप लेवल का फोन ओप्पो रेनो। इस फोन का हाईलाइट है इसका कैमरा, अदरवाइज इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो आज हम बात करेंगे ये फोन को लेकर, यानी ओप्पो रेनो फोन को लेकर। इस फोन का स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका डिस्प्ले क्या है, इसका कैमरा क्या है और इसका प्रोसेसर क्या है, यानी कि टोटल स्पेसिफिकेशन क्या है और ये फोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा या नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते हैं इस ओप्पो रेनो फोन के बारे में। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले को लेकर। इस फोन का डिस्प्ले जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 6.6 इंच के FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छे देखने को मिलेगा इस फोन में, क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले दिया गया। इसका पीछे एक कारण है, वो है इस फोन में जो आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा वो मिलेगा इन डिस्प्ले, यानी कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स आपको इस फोन में देखने को मिलेगा और इस फोन में आपको बेजल्स बहुत ही कम दिखने को मिलेगा और इसमें कोई वाटर डॉट नॉच डॉट नॉच कुछ भी नहीं दिखने को मिलेगा। ये पूरा नॉचलेस डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि डिस्प्ले की तरफ देखा जाए तो ये फोन बहुत ही अच्छा होने वाला है। अभी हम बात करेंगे इस फोन के प्रोसेसर को लेकर। इस फोन में जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855, यानी कि अच्छे क्वालिटी के प्रोसेसर, एकदम बेस्ट क्वालिटी के जो प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिलेगा और इसका क्लॉक स्पीड है 2.8 GHz। और इसमें जो GPU आपको मिलेगा वो मिलेगा एड्रिनो 640, यानी कि अच्छे प्रोसेसर के साथ अच्छे GPU भी इस फोन में आपको देखने को मिलेगा। और गेमिंग के लिए भी ये फोन बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है बहुत पावरफुल प्रोसेसर है और पावर एफिशिएंस भी है। ये जो प्रोसेसर है ये 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर है, इसी कारण इस फोन का प्रोसेसर, ये प्रोसेसर का परफॉर्मेंस भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। और इस फोन में जो अपडेट आएगा, एंड्रॉयड अपडेट आएगा, वो आएगा पाई अपडेट, यानी कि पाई अपडेट आउट ऑफ बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा ओप्पो रेनो फोन। दोस्तों, अभी आते हैं इस फोन के रैम वेरिएंट को लेकर। इस फोन में आप दो तरह के रैम वेरिएंट देख पाओगे, एक मिलेगा 6 GB का और एक मिलेगा 8 GB का। 6 GB का जो रैम आएगा उसके साथ आएगा 128 GB इंटरनल मेमोरी, और 8 GB का जो रैम आएगा उसमें आएगा 256 GB का इंटरनल मेमोरी, यानी कि मेमोरी क्वालिटी भी इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अभी आते हैं इस फोन को कैमरा को लेकर, क्योंकि इस फोन में जो कैमरा दिखाया गया है वो बहुत ही हाईलाइट किया गया है। इसमें ट्रिपल कैमरा आपको रियर में देखने को मिलेगा, एक मिलेगा 48 MP का, एक मिलेगा 8 MP का और एक मिलेगा 13 MP का। 48 MP का जो कैमरा आपको देखने को मिलेगा उसका अपर्चर रहेगा f1.7, 8 MP का जो कैमरा रहेगा वो उसका अपर्चर रहेगा f2.2, और 13 MP का जो कैमरा आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा f3.0, यानी कि अच्छी क्वालिटी कैमरा आपको इस फोन में देखने को मिलेगा जो पिक्चर लेने के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसके ऊपर एक हाईलाइट है, वो है 10x ऑप्टिकल लॉसलेस जूम आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आप अभी तक मोबाइल में जो भी फोटो लेते थे तो क्या होता था, ज़्यादा जूम करते तो फोटो फट जाता था, मगर इसमें क्या होगा, ये जो 10x ऑप्टिकल जूम आपको मिल जाएगा इसमें आपको फोटो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के आएगा। यानी कि आपके जेब में अगर ऐसा कोई फ़ोन हो ओप्पो रेनो की तरह, तो आपको DSLR या SLR लेकर घूमने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फोन में जो या आपको इमेज क्वालिटी देगा वो भी अच्छा देगा, और दूसरा है ये फ़ोन में जो जूम मिलेगा वो भी आपको अच्छा मिलेगा, यानी कि आपके ये फ़ोन एक अच्छा कैमरा फ़ोन होने वाला है। जो कैमरा पसंद करते हो ये ओप्पो रेनो फोन आप ले सकते हैं। दोस्तों, अभी आते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरा को लेकर। इस फोन में जो फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलेगा वो है 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। उसमें आपको मिलेगा f2.2 अपर्चर, यानी कि ये जो फ्रंट कैमरा होगा ये भी ठीक ठाक क्वालिटी का ही होगा। और इसमें जो और एक हाईलाइट था वो है शार्क थीम, यानी कि अभी तक हम लोग क्या देखते थे, पॉप आउट कैमरा देखा था, अभी ये जो कैमरा आएगा वो शार्क थीम कैमरा, यानी कि एक कोने से कैमरा आएगा चला जाएगा। और कंपनी क्लेम करता है इसको 2 लाख बार टेस्ट किया गया है, और ये फ़ोन अगर डेली 20 फोटो आप लोगे, सेल्फी फ़ोटो लोगे, तो 27 साल तक ये फ़ोन आपको आप चला पाओगे। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि कंपनी जो क्लेम करता है ये फ़ोन अगर आप इस्तेमाल करोगे तो इस फ़ोन में कभी भी जो शार्क थीम कैमरा जो सिस्टम है इसमें कोई दिक्कत आपको 27 साल तक नहीं आएगा, यानी कि अच्छे क्वालिटी के
कैमरा इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है और अच्छे टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और लो लाइट फोटो में भी ये इस फोन का कैमरा बहुत ही अच्छा है। और भी ऐसा कैमरा में बहुत कुछ फीचर्स, छोटा छोटा फीचर्स है जो दूसरा फ़ोन में नहीं दिखाई देता, इस फोन में आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ है, ये फ़ोन कैमरा के ऊपर बहुत ही हाईलाइट किया है, जैसे इसका लो लाइट कैमरा बहुत अच्छा है, पैनोरामा बहुत अच्छा है, इसका ऑप्टिकल जूम बहुत अच्छा है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा के ऊपर बहुत ही हाईलाइट किया गया है इस फोन में। अभी आते हैं इस फोन के सॉफ्टवेयर को लेकर। इस फोन में पहले ही बोल दिया है कि इसमें पाई अपडेट आपको आउट ऑफ बॉक्स मिल जाएगा। इसमें कलर वाइज भी आपको देखने को मिलेगा कलर वाइज 6, यानी कि कलर वाइज 6 बहुत ही अच्छा अभी दिखाई दे रहा है। पहले जो कलर वाइज 5 था वो उतना अच्छा नहीं था, मगर कलर वाइज 6 एकदम ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लैग भी नहीं होता है, इसी कारण कलर वाइज 6 अच्छा है। इसके साथ आपको जो सिम ट्रे मिलेगा, 2 नैनो सिम आपको देखने को मिलेगा, ड्यूल 4G सपोर्ट करेगा। और दूसरा है इसका बैटरी जो है इसका 4065 mAh बैटरी आपको देखने को मिलेगा, बुक चार्जिंग ठीक है भी सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको बैटरी भी बड़ा मिल रहा है और इसमें चार्जिंग के लिए भी फास्ट चार्जिंग ऑप्शन आपको मिलता है और चार्जर भी आपको आउट ऑफ बॉक्स मिल जाएगा, यानी कि अच्छे क्वालिटी के चार्जिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, बैटरी भी अच्छा आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। अभी आते हैं साउंड क्वालिटी को लेकर। इस फोन का साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा होने वाला है और इसमें डॉल्बी एटमॉस भी इस्तेमाल किया गया है, यानी कि साउंड क्वालिटी भी आपको अच्छा दिया है, सुनने को मिल जाएगा इस फोन में। ओवरऑल देखा जाए तो इस फोन का टोटल जो फीचर्स है बहुत ही अच्छा है और इसके फीचर्स के साथ अगर प्राइस को हम देखें तो थोड़ा ज़्यादा लगता है इस फोन के लिए, क्योंकि इस फोन का जो प्राइस है, जो 16GB 128GB की वेरियंट आता है उसका कीमत कुछ 40,000 रुपया, और 8GB और 256GB का जो आता है उसका कीमत है कुछ 50,000 रुपया। 40,000 और 50,000 में ये जो फीचर्स दे रहा है, इससे भी बहुत अच्छे क्वालिटी के फीचर्स हमको देखने को मिलेगा बहुत सारे ब्रांड में, चाहे वो आप आसूस के ब्रांड में देखो, रेडमी के ब्रांड में देखो, आपको वीवो के ब्रांड में देखो, आप अगर देखोगे ब्लैक शार्क 2 बहुत अच्छा फ़ोन है, इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि वन प्लस भी आपको ऐसा ही अच्छा फीचर्स के साथ आता है। जो कीमत जो इस फ़ोन का रखा गया है तो वो थोड़ा लगता है ज़्यादा हो गया, इसका 2-3 हज़ार या 5 हज़ार तक कम होता तो एकदम वैल्यू फॉर मनी होता, मगर आपको ओप्पो का ब्रांडिंग अगर अच्छा लगता है तो आप ये फ़ोन ले सकते हो, मगर कुछ दिन वेट कर लो क्योंकि इसका अभी प्री ऑर्डर चल रहा है, प्री बुकिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो कुछ दिन रुक जाओ, और भी अच्छा अच्छा फ़ोन आने वाला है इसी महीने में, उसके बाद आप ये फ़ोन ले सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए वीडियो इतना ही है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।